Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। करोड़ रुपए का सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। क्वेंट कंपनीज और फ्लैगशिप 13 कंपनीज का नेटवर्क जो शरीफ फैमिली का लंदन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और यूएई में है, उसके दरमियान 3,000 करोड़ रुपए का लेन देन है। जो 4 रेफरेंसेस फाइल हुए हैं उनमें एक एफजेडी का केस है जिसके चेयरमैन नवाज शरीफ साहब हैं, एक हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट का केस है जिसके चेयरमैन हसन नवाज शरीफ हैं, फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर मुकदमा है जाली दस्तावेजात जमा कराने का। अगर ये शरीफ फैमिली ना होती और कोई और लोग होते पाकिस्तान के, तो ये अब जेल में होते, ये NA120 की कैंपेन ना चल रही होती, ये अपनी जमानतें करवा रहे होते। हमने देखा है कि किस तरह नैब ने इम्तियाजी सलूक बरता है नवाज शरीफ और उनके फैमिली के साथ। जानबूझकर कागजात रोके गए, फोटोकॉपी जमा करवाई गई ताकि नैब का कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ना ले सके मुकदमे की। नैब पूरी तौर के ऊपर मिला हुआ है शरीफ फैमिली के साथ और यही वजह है कि तमाम एफर्ट, तमाम कोशिश ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ इन मुकदमात के ऊपर से हटा ले। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन तमाम मुकदमात को बड़े गौर से और बड़ी मेहनत से हमने इसका पीछा किया है, हम इसको कंक्लूजन तक भी पहुंचाएंगे। आज के पहले हिस्से में जो अभी तक रिव्यू पटिशन के ऊपर बात हुई है, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर तकरीबन 2 घंटे जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने बहस की है कि 5 रुकनी बेंच ये फैसला नहीं कर सकता था, 3 रुकनी बेंच जब कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। और ये भी कहना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वो मुख्तलिफ होना चाहिए था उस बेंच से जिसने ओरिजिनली ये हुक्म जारी किया था। मैं याद कराना चाहता हूँ आपको और आप लोगों के पास फुटेजेस होंगे कि जब ये बेंच 3 रुकनी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जब GIT बनाई गई थी, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ले ठोंसे जा रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। तो सवाल ये है कि जो थप्पड़ जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। जब आपने उस वक़्त उस फैसले के ऊपर, GIT की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, 3 मेंबर बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं किया और जब आपके खिलाफ आज फैसला आ गया है तो आपको वो बेंच भी बुरा लगना शुरू हो गया है और आपको GIT भी बुरी लगनी शुरू हो गई है। 4 रेफरेंसेस जो नैब ने इस वक्त नैब कोर्ट्स के सामने रखे हैं उसमें जो रिकॉर्ड है उसको कमी पेश किया गया है ताकि उस पर एतराजात आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले हिस्से में बेंच की जो तश्कील है उसके ऊपर बातचीत की है, अब दूसरे हिस्से में FZD कैपिटल के ऊपर बात होगी। FZD कैपिटल वो कंपनी है जो UAE में कायम है, जिसके चेयरमैन नवाज शरीफ साहब बजाते खुद हैं और कल्सूम बीबी इसकी डिप्टी चेयरमैन है। FZD कंपनी जो बाकी 13 कंपनीज हैं जिसमें से 3 ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में है और 9 मेनलैंड बरतानिया में है, उन तमाम को पैसे FZD कैपिटल से जा रहे थे और FZD कैपिटल के चेयरमैन नवाज शरीफ हैं। अब दूसरे हिस्से में FZD कैपिटल के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन रेफरेंसेस और ये जो इस वक्त जो केस चल रहा है उसका मकसद सियासत से, नवाज शरीफ तो अगर सियासतदान होते तो क्या वो मुल्क से बाहर जाके बैठते? क्या वो आके अदालतों का सामना ना करते? क्या सियासतदान ऐसे हैं कि अपनी बेगम की बीमारी के पीछे छुपेंगे? यही तो तमाम इल्ज़ाम ये परवेज मुशर्रफ के ऊपर लगा रहे थे कि परवेज मुशर्रफ साहब अदालतें अवॉइड कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब जब अपने पे आई है तो खुद बाहर बैठे हुए हैं। तो अभी हम तो UK में थे, नईम साहब भी और हम सब लोग भी, हमने पाकिस्तान की कम्युनिटी को वहाँ पे अपील की है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं जाते तो पाकिस्तान की जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो एक तहरीक चलाए नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, ताकि जो पाकिस्तान के 1,000 करोड़ रुपया जो इस फैमिली ने यूसर्प किया है, जिसको खाया है, वो
पाकिस्तान वापस लाया जा सके। दूसरे हिस्से के बाद एफसीटी कैपिटल पे जो बात होगी उससे भी आपको आगाह करूंगा। नहीं मलाक साहब, आप जो दूसरे पॉइंट है उनको बता दें। मैंने 15 दिन पहले प्रेस से बात करते हुए ये बात कही थी कि फवाद हसन फवाद जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के निगरान हैं और सरबराह हैं, वो अभी तक नवाज शरीफ के अहकाम पर अमल कर रहे हैं, उनकी हिदायत पर अमल कर रहे हैं, हर मामले में उनसे मशवरा कर रहे हैं। और मैंने ये बात उस वक्त कही थी 15 दिन पहले, जिसकी आज तक तरदीद नहीं हुई है कि फवाद हसन फवाद ने टेलीफोन करके चेयरमैन नैब को पेरिस में सफारत ऑफर की थी। उन्होंने कहा था कि आप 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और फ्रांस में सफारत के लिए हम आपका नाम दे रहे हैं, मेहरबानी करके आप मामलात को ज़रा उलझाए रखें। और जैसा कि अभी फवाद ने आपको बताया कि यही हो रहा है कि चेयरमैन नैब की जानिब से जानबूझकर ऐसे रेफरेंसेस फाइल किए गए जिसमें छोटी छोटी बेशुमार गलतियां थीं, और वही जो नैब का जो प्रोसिक्यूटर है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, उसके रजिस्ट्रार ने जो नैब का एक हिस्सा है उसने वापस कर दिए। ये उसी साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब अभी तक अपनी साजिशों में मुलव्वस हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि वो सो मोटो नोटिस ले 2-4 अहम बातों का, जिन्होंने कौम को उलझा रखा है। नंबर एक, मॉडल टाउन की रिपोर्ट जिसमें शहबाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं 17 आदमियों के कत्ल में, वो सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करे कि वह फौरन शाये की जाए। नंबर दो, डॉन लीफ की रिपोर्ट जिसमें नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ साजिश की थी, वो रिपोर्ट भी इन्होंने मॉडल टाउन रिपोर्ट की तरह छुपा ली है, उसको भी फौरन शाये किया जाए। नंबर तीन, आपको इल्म है कि एक चाइनीज स्कैंडल के हवाले से शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि उसकी इंक्वायरी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। पाकिस्तान से अभी तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में अरबों रुपए का कमीशन ले रही है। इसी तरह एलएनजी का जो एग्रीमेंट है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने कतर की हुकूमत के साथ या उस कंपनी के साथ साइन किया है, हम मालूम करना चाहेंगे कि कतर की जो कंपनी है वो क्या सैफुररहमान को इस हवाले से कोई कमीशन दे रही है या नहीं। हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत भारी कमीशन। 4 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं शरीफ फैमिली के साथ नैब के इम्तियाजी सलूक सबके सामने है। अगर यहाँ कोई आम आदमी होता तो सलूक नैब का मुख्तलिफ होता, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक और फवाद चौधरी बातचीत